मुफ्त बिजली योजना, ऑनलाइन रजिस्ट्री चालू है, आप लोग ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्री करवाना शुरू कर दीजिए। और योजना क्या है, मोदी सरकार आपको घर की छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपीज 75,000 रुपया देगी। फिर आप बिजली पैदा करेंगे, घर में जीरो बिल से उपयोग करेंगे, जो अतिरिक्त बिजली है वो बेच करके कमाई करेंगे। डबल मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? और अगर कोई परिवार, मिडिल क्लास का परिवार, ट्रिपल मुनाफा लेना चाहता है तो भी मैं तैयार हूं। मैं बताऊं ट्रिपल मुनाफा कैसा, डबल मुनाफे के साथ साथ ट्रिपल मुनाफा। देखिए आज आपको स्कूटी में, स्कूटर में, कार में पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ये जो बिजली पैदा होगी ना घर में, उस बिजली से आप अपना स्कूटी, स्कूटर, मोटर, उसको चार्जिंग भी कर सकते हैं। और आप कलकत्ते में कहीं पर भी जाना है तो मुफ्त में आपका ट्रैवलिंग भी हो जाएगा, पेट्रोल का बिल भी जीरो हो जाएगा। साथियों, आप लोग मुझे बोलने दीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, प्लीज बैठिए आप। साथियों, विकास के लिए भाजपा के प्रयासों के बीच टीएमसी अपने काम में बिजी है। और उसके काम क्या है, टीएमसी का काम क्या है, टीएमसी के नेताओं का काम क्या है, गोंडो गोलो जोमी दखोल, गोंडो गोल ओ जोमी दखोल, यहां माफिया राज चल रहा है। मोदी कहता है हर घर जल, मोदी क्या कहता है, हर घर जल, मोदी क्या कहता है, आप जरा बोलिए, मोदी क्या कहता है, मोदी क्या कहता है? और टीएमसी कहती है हर घर बम। मोदी कहता है हर घर जल, और टीएमसी कहती है हर घर बम। कुछ दिन पहले ही एक बम फट गया और बच्चों का जीवन चला गया, माताओं बहनों बेटियों का तो यहां जीवन मुश्किल हो गया है। संदेश खाली में ये क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। टीएमसी संदेश खाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं आप सभी को गारंटी देता हूं टीएमसी का कोई भी अत्याचारी, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। साथियों, टीएमसी ने बंगाल के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है।
टीएमसी ने बंगाल के युवाओं का भविष्य बेच दिया है। टीएमसी ने बंगाल के माताओं के, बंगाल के बाप के, बंगाल के मां बाप के सपने बेच दिए हैं। टीएमसी के पेपर लीक और भर्ती माफिया ने सबको तबाह कर दिया है। आज देखिए इनके बड़े बड़े नेता, इनके बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री जी के खास सिपहसालार सारे के सारे जेल में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। और मेरे बंगाल के भाइयों बहनों, पूरा देश चौंक गया, इनके नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ निकले हैं, पहाड़, रुपयों के पहाड़। इस विश्वासघात की आप टीएमसी को सजा देंगे कि नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? कड़ी से कड़ी सजा देंगे उनको? ये सजा बराबर की देंगे? क्या टीएमसी को बंगाल में एक भी सीट जीतने का हक है क्या? एक भी सीट जीतने का हक है क्या? उनकी सारी की सारी सीटें पराजित होगी कि सबको घर भेज देंगे क्या? भाइयों और बहनों, हमारे किसान हो, हमारे नौजवान हो, ये विकसित भारत की बहुत बड़ी ताकत है। पीएम किसान सम्मान निधि से करीब 350 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए हुगली जिले के किसानों के खाते में जमा हुए हैं। अब भाजपा ने आलू और प्याज किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है, और ये टीएमसी कांग्रेस वाले कम से कम आपके पूर्वजों के त्याग, तपस्या, बलिदान, उसका तो अपमान मत करो। अपने ही देश की विरासत का बहिष्कार, भगवान राम का बहिष्कार, ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। मेरा बंगाल ऐसा नहीं है। मां माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी आज वोट बैंक के लिए बंगाल का भी अपमान कर रही है और अपनी विरासत का भी अपमान कर रही है। साथियों, ये चुनाव पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश का भविष्य तय करेगा। इस चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका कीमती वोट बर्बाद ना हो। टीएमसी आज जितनी सीट पर लड़ ही नहीं रही कि वो सरकार तो क्या विपक्ष में भी कुछ नहीं कर सकती है, कांग्रेस या लेफ्ट को वोट देने से भी आपका वोट बर्बाद ही होगा।